जी दोस्तों, कैसे हैं आप? लो जी, फुल रेडी हो चुका हूँ मैं। देखते हैं, फुल रेडी। चलो चलते हैं। मैं थोड़ा लेट हो गया, भाई वेट कर रहा है, तो वहाँ जाके मिलते हैं जल्दी जाके। भाई चंगा हाँ जी ओके बाय। जर्नी हो गई स्टार्ट। हाँ जी दोस्तों, मैं लेट हो गया काफ़ी। दो भाइयों वेट कर रहा है मेरी अपनी जगह पे। वो आधा घंटा लेट हो यार मैं, आधा घंटा। ओह माय गॉड। चलो मिलते हैं जाके भाई से। अरे ग्लव्स भी नहीं पहने अभी मैंने। सुनाओ भाई कैसे हो? बढ़िया भाई, दिन की शुरुआत हो गई है, 6:30 हो गए। मैंने भाई को 6 बजे का टाइम दिया था, खुद ही लेट हो गया। भाई बोलेगा मुझे, मैं बोल रहा था भाई पूरे 6 बजे तो 6 बजे, और खुद ही लेट हो गया मैं। क्या यार, क्या ही राइडर बनेगा रे। पर जो भी है मस्त है भाई, सामान एकदम ओके, रिपोर्ट बंद गया, उसकी चिंता खत्म हो गई। मेन तो सामान का ही था। अभी मैंने, अभी रुक के दिखाता हूँ मैं क्या क्या किया है मैंने। अभी टाइम नहीं था, घर वालों से मिला और निकलो। भाग 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 धन्नो भाग। भाई बोलेगा यार बहुत। ओ भाई सॉरी ब्रो सॉरी। ओ नहीं 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 ओ सामान बंद रहे, बहुत टाइम लग गया यार। मैनू आइडिया नहीं कितना टाइम लगना। वाह वधिया, मिलते 2 मिनट, मिलते लइए भरावा। सॉरी सॉरी भरा, बढ़िया सानू, सॉरी सॉरी यार। अड़ो भाई बहुत ही लगन डे, आप फुल रेडी है भाई? आप पहली बार पाए भरा मैं जी, पूरा ओके रिपोर्ट हो गए। ओके रिपोर्ट सही गल, आप पाई है गया नेचल भाई है। कहते राइडर सिरा दे, राइडर सिरा सिरा राइडर है। बाइक चेक करो डोमिनर, ओहो एंड लगन डे, एंड फुल देखो पूरा ओके रिपोर्ट है। टॉप बॉक्स भी लगाया हुआ है, क्या बात है यार, फुली लोडेड। मेरी को ज्यादा लोडेड है वो टेंट यार भाई, और उधर ही फुलिया पे, बाकी बैग छोटा वो उधर बैग के ऊपर रखा टेंट ना, ता करके बाकी ओके रिपोर्ट। चलो चलिए फिर रूट देख लेना ही भाई कि लो भाई दोस्तों, अब चले राइड पे। भाई जा रहा आगे तो मैं भाई को करूंगा फॉलो। चलो भाई यार मजा आ गया। अब ग्लव्स भी पहन लिए मैंने, अब फुल पैक हूं मैं। अब आएगा असली मजा। धुंध पड़ी हुई है, वो रे सूरज देवता शायद दिख रहे हो आपको, वो पीछे लाली माँ। और पंजाब में देखो यार धुंध पड़ गई है, धुंध, ठंड के स्टार्टिंग हो गई है ठंड की।
बियर बियर पहने ना तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। चार्जिंग पे लगाया, कोई नेविगेशन की जरूरत नहीं है, फोन मेरे दोनों जेब में है। ओके रिपोर्ट दोस्तों, मैं देखो रमनीक होटल के पास आ गए हैं, चौक के पास। अब यहाँ से बाहर जा रहे हैं हम, शहर के बाहर। बाइक तो बाइक ही लग रही है बढ़िया, एक नंबर हैवी बाइक है ना, 400 cc है, बढ़िया तो होगी भाई। अपनी भी कौन से काम है, अपनी 125 cc बाइक अपनी मक्खन की जैसे चलती है, एक बिंदास। भाई को बस फॉलो करना है और हम आज पहुंचेंगे। चलो रास्ते में जब रुकते हैं ना फिर बताता हूँ कहाँ जा रहे हैं। अभी तो बस निकले हैं ना भाई, पंजाब से निकले, आते हैं आगे। वो देखो धुंध, देखो चेक करो यार सड़क पे, वाह 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 कैसे आ रही है, इधर है ना, देखो ग्राउंड में सड़क पे आ रही है। अब जालंधर जाएंगे हम, ये बाईपास है वो आगे आएगा, कपूरथला बाईपास जहाँ से जालंधर का रास्ता जाता है, वहाँ से होके हुए राजपुरा भाई बोल रहे हैं। अब मुझे नहीं पता राजपुरा कहाँ है, भाई को फॉलो करो, एक नंबर है बाकी तो। मुंह में मुंह से भाई एक नंबर निकल रहा है क्योंकि मजा बता रहे ना। अब अपनी ये होगी 10-12 दिन की राइड है, मजा आएगा। वो आ गया सामने, चलो अब यहाँ भगाएंगे, मेन हाईवे भगाने का मजा आता है असली। लो भी अब हम अपने जाएंगे फुल स्पीड पे, अब आएगा असली मजा। 100 देख तो जाती है कि नहीं सामान के साथ, 99 फुल थ्रॉटल दिया, 100 जाए 100, और 100 पहुंच गई भाई 100। हाँ जी दोस्तों, अब शहर में हम एंटर कर चुके हैं जालंधर के। तो पीछे आपने देखा होगा अपनी बाइक सामान के साथ 100 की स्पीड पकड़ रही है, तो मतलब सब बढ़िया है, एक नंबर। फिर एक नंबर मुंह से निकला, मतलब के सब सही है। अगर 100 की स्पीड ना पकड़ते तो थोड़ा मुश्किल हो जाता था, तो हाईवे भागती है ना फिर, तो सामान भी जो बांधा हुआ है वो भी पता चल गया कि टाइट है, नहीं खुलेगा 100 की स्पीड से भी, तो बढ़िया हो गया। लो जी आ गया आपका कपूरथला चौक। अभी भी लाइट थोड़ी सी हवा, एक दो नंबर ज़्यादा रखो ना तो बाइक एक तो चलाने में एकदम मक्खन हो जाती है। मैं ऐसे ही चला के अमृतसर गया था, आपने पिछला व्लॉग देखा ही होगा, उसमें मैंने ना थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया था, थोड़ी हवा ज़्यादा एक दो नंबर ज़्यादा रखी थी जितनी होती है। अगले टायर में मैंने रखी थी 35 कुछ तो, और पिछले टायर में 48 कुछ रखी थी मैंने हवा, तो बढ़िया हो गया बाइक, तो ऐसे मक्खन जैसे होगी, हैंडलिंग भी थोड़ी स्मूथ होगी। और पर हाँ थोड़ा खड्डा वड्डा देख के ना, उस पर तो स्पीड स्लो करनी पड़ती है। और डोमिना को भगाते हुए हमारा एसपी है, जो एसपी है वो है ही एसपी, जब है ही एसपी तो क्या करें, एसपी के आगे कुछ किसी की नहीं चलती भाई। जैसे पुलिस में होता ना एसपी, वैसे ये बाइकों में एसपी है। ये है ज्योति चौक मेन, यहाँ शूज मार्केट है सारी, इधर ये सारी मतलब ना।
तो अब हम जा रहे हैं जालंधर सिटी से बाहर। ये बाहर आ गए हम, जो बाईपास है। लो जी बाइक, भाई के पीछे पीछे हम, क्योंकि रास्ता भाई को पता यार। अभी नेविगेशन लगाया नहीं हुआ, भाई बोल रहा मुझे रास्ता पता है। और चले चलो साथ में। ओप्स, इतना जाम। ओ हम गलत आ गए भाई, जल्दबाजी में हम गलत आ गए। अरे भाई मैं पीछे रह गया। आई एम कमिंग। ये पकड़ लिया भाई को हमने। तो हम अब मेन हाईवे पे जा रहे हैं, शायद ये फगवाड़ा लुधियाने वाला है, बाकी कुछ कह नहीं सकते। भाई तो भगाएगा पूरी अब। और हम जा रहे हैं अभी इस टाइम 74-75। ये हाँ धीरे धीरे हम स्पीड पकड़ेंगे, क्योंकि 70 और 80 के बीच में जाएंगे तो कुछ एवरेज भी मिल जाएगी हमें। भाई का तो पता नहीं, मुझे तो मिल जाएगी, इसको उसकी तो है ही यार उतनी, 25-30 इतना ही है उसके बीच ही है। अरे अपन तो 70 वाली है, 70 वाली भी जब तेज चलाएंगे तो दे ही देगी 40-50 की, तो बढ़िया है ना। क्यों भाई क्या बोलते हो यार, मैंने इसे स्टेबलाइजेशन ऑन नहीं किया हुआ कैमरे का ना, देखता हूँ कैसे वीडियो आती है, जब नेक्स्ट बनाएंगे तो उसमें ऑन कर लेंगे। इसमें कौन सी टेंशन है, टेंशन की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि फेस है जो स्टेबल रहता है तो स्टेबलाइजेशन की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। ओ पानी, ये तो पानी उड़ाएगी बाइक यार। मुझे बाइक ना धुलाने का मौका ही नहीं मिला, कल मैं आई रिलेटिव्स, आपने पिछला व्लॉग देखा होगा, मैं पहुंचा ही घर पे लेट, दोपहर को पहुंचा, कोई तैयारी नहीं थी मेरी। आके सबसे पहले मैंने अपने जो कैमरा वगैरह फोन सब वो फुल चार्ज किए। अरे मैं तो पीछे रह गया, हाँ अब ठीक है। 80 की स्पीड ठीक होती है यार, 80 की बहुत है। क्या कह रहा था, हाँ मैंने आगे कैमरा वगैरह पावर बैंक सब जो चार्ज करने वाला था सब चार्ज किया, ठीक है। उसके बाद पैकिंग करी, मैंने बाहर जाना था, लोग 2 दिन काम थे वो कराए, पर मुझे बाइक धुलाने का मौका ही नहीं मिला। बाइक तो पूरी चमकाली धो धो के, कोई नहीं रास्ते में अंदर धुलवा लूँगा जहाँ रुकेंगे कहीं, क्योंकि आगे ऑफ रोड है, क्या पता कोई कैसा रास्ता होगा, कच्चा या पक्का, तो उस पर डिपेंड है। चलो देखते हैं, अब आगे जाके मिलते हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये तो भाई है जो साथ में जा रहा है, ठीक है, वो आगे जा रहा है बाइक पे, उसके पास लेके चलता हूँ। वो देखो यार बैठा कैसा हुआ ये देखो यार टेढ़ा बैठा हुआ, टेढ़ा क्या यार, क्या बाइक चलाएगा रे तू। भागते इतनी मस्त लग रही ना, औसम लग रही बाइक। ओ दूसरे बाइक थोड़ा जोश आ गया, जब पीछे से अभी बाइक आया है आगे। अब हम जा रहे हैं, मतलब कि 84-85 की स्पीड है, धूप अच्छी लगी हुई है, मज़ा आ रहा है, ठंडी हवा चल रही है, देखो तो ठंड का आगमन हो चुका है। रास्ते में आपको दिखाया मैंने कि धुंध भी थी खेतों में, शहरों में तो अभी नहीं है, गाँव में, गाँव एरिया में दूर दराटे हैं जो उनमें है। चलो थोड़े मजे लेते हैं। अब भाई का जोश आ गया ना, बाइक को अब थोड़ा पीछे करते हैं तो फिर देखते हैं क्या क्या रिएक्शन आता है उनका। ओ 100 पे पूरी बाइक, 101 पे है।
101 शगुन डाल दिया भाया। वो भाई पीछे चल गया, वो स्कूटर नजर नहीं आ रहा। और बाइक चलाने का असली मजा तो हाईवे पे आता है। हाईवे पे जो मजा है ना बाइक चलाने का यार, जो बंदा चलाता है ना वो ही फील कर सकता है कि कितना मजा आ रहा है। रोड हो, फुल थ्रोटल हो और हवा से बातें करते हुए जाएं तो मजा ही अलग है। इसका बक्का हुआ टैक्सी जो ना, देखो मैंने अभी फुल थ्रोटल दिया हुआ है। अभी पहाड़ शायद ऊपर जाएंगे हैं तो फिर रेस कम हो जाएगी। ऑक्सीजन लेवल होता है ना कम हो जाता है, थोड़ा जोर भी लगता है बाइक का, फिर मुश्किल होती है बाइक को। जो छोटी बाइक नहीं बड़ी बाइक को भी, दोनों को भी सेम प्रॉब्लम है। थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है एल्टीट्यूड का। अभी मैंने कल ही भरवाया है 1100 का तेल, ठीक है 11.5 लीटर डाला था, थोड़ा पहले भी था, मान के चलो 12 लीटर फुल टंकी है। देखते हैं कहां तक जाती है। चलो मिलते हैं आपको आगे। भाई देखो जो जिस बाइक को मैंने पीछे किया था ना वो फिर आगे आगे तो रहा खन्ना राजपुरा, राजपुरा 109, हमने राजपुरा जाना है। 109 किलोमीटर है भी आगे। और तो भाई को फिर पीछे करते हैं, फिर उसके रिएक्शन देखते हैं। अरे मैंने कैमरा बंद किया, जस्ट बंद किया, साथ में से निकला भाई आगे आगे मेरे साथ में हंसी आ गई। मैं जोश जाग बड़ा भाई का धूम धूम। चलो इसको इनको फिर पीछे करते हैं। भाई साहब मजे, अब खेत चेक करो यार, आप खेत खराब कर देते हैं यार, फिर गियर चेंज करो। अभी 109 किलोमीटर जाना है, ठीक है तो कैसे टाइम पास होगा हैं? अब भाई से थोड़े मजे लेते हैं, फिर आगे जाएंगे, देखना फिर आगे आएगा, फिर जाएंगे। पहला टोल प्लाजा है भाई, अब हमने कौन सा देना है। और चलो पता नहीं क्या लुधियाना आ जाएगा, पता नहीं क्या है।
आइकिया लुधियाना ही आ गए, लुधियाने आना वाला है या फिर लुधियाना आ चुका है, अब मुझे कंफर्म नहीं है। ये ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक जाम, बच्चन सिंह मार्ग, आई थिंक लुधियाना ही है ये। बाइक के बाइक का साउंड भी बढ़िया है ऐसे ऐसे करके, पर जो भी है मजा तो आ रहा है। सुबह सुबह तो एक तो ठंडा होता ना, मजा तो आएगा ही। आने वाला है पर अपना एक नुकसान हो गया, अपनी जो पानी वाली बोतल थी जो रखी हुई थी वो गिर के टूट गई, चकना चूर हो गई, चूर चूर हो गई। यार ये तो पुल पे ना जो ऐसे आते हैं ना जो, ये देखो ये जो आ रहा है, ये देखो कितना बड़ा है यार, खड्डे से भी बुरा ये तो। बाकी राइड का मजा आ रहा है, टाइम हो गया है 8:43, बच्चों की स्कूल बसेस जा रही हैं, टाइम पे चला रहे हैं लोग, बढ़िया चल रही है राइड अपनी। चलो बढ़िया रहे भगवान करे। और जाता हुआ अपना नेचर भाई, बहुत बढ़िया। चलो अब राजपुरा जाके मिलते हैं, राजपुरा है, राजपुरा, राजपुरा पहुंच चुके हैं हम। अब यहाँ से लेफ्ट होंगे हम। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, हम जा रहे हैं आज तक शिमला, शिमला जा रहे हैं हम। आज देखते हैं शिमला कितने बजे तक पहुंचते हैं। यहाँ आके थोड़ा जाम मिला मैं, बाकी मेन हाईवे तो मज़े मज़े आए हम। यहाँ से शिमला है 142 किलोमीटर, ओ एक तो 142, मेरे हिसाब से हमें तो बड़े आराम से कवर कर सकते हैं दिन दिन में। सीधा सीधा कुछ भी नहीं, अभी अभी जाके देखेंगे क्या माहौल है आगे, टाइम तो लगता है पहाड़ों पे। हाँ जी दोस्तों, हम पहुँचेंगे जीरकपुर, तो पाजी थोड़ा हल्का होने गए हैं और हम खड़े हैं यहाँ पे। तो बाइक चेक करो अपनी, ये देखो मुझे धुलाने का मौका नहीं मिला पर अच्छी लग रही है, ये भाई की बाइक है डोमिनार, पर बढ़िया यार। हम 9:30 हो गए तो हम जीरकपुर पहुंच चुके हैं। यहाँ से आज यहाँ से मुश्किल से मुश्किल होगा भाई यार 2.5 घंटे का रास्ता, बीच में थोड़ा रुकने भी जाएंगे, तो देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं। स्पीड हमारी अच्छी बनी हुई है, 80-90 जा रहे हैं, तो मज़ा आ रहा है। चलो मिलते हैं आगे जाके, यहाँ थोड़ा ब्रेक ली थी चलाते चलाते, काफ़ी टाइम हो गया, चलो मिलते आगे। दोस्तों अभी ब्रेक के लिए थी हमने वाटर ब्रेक, हम जीरकपुर से थोड़ा सा आगे हैं पर फोटो फोटो क्लिक करिए, अब शाम को इंस्टा जब रुकेंगे कहीं शिमला पहुंचेंगे तो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे। अभी रेड लाइट होगी तो आराम किया थोड़ा, आराम क्या करें, फ्रेश हुए थोड़ा, अब सही है। जीरकपुर में यार इतना ट्रैफिक है ना पूछो मत, पसीने आ गए। दोस्तों फाइनली पहाड़ दिखने स्टार्ट हो गए, अभी शायद इसमें दिखने ना कैमरे में शायद दिख रहे हूँ, तो सड़क के ऊपर देखो यहाँ पहाड़ स्टार्ट हो चुके हैं। वाह वाह वाह,
दृश्य। अभी हम मैदान में थे, अब थोड़ा हम पहाड़ी एरिया में जस्ट एंटर करने वाले हैं। यहाँ से पहाड़ दिख रहे हैं जो कि अच्छा है। 113 किलोमीटर ऐसे कुछ था, पीछे देखा था जैसे, वो देखो पहाड़ आ गए। ओहो, पर है अभी धुंधले धुंधले, पर बढ़िया है। शिमला यहाँ से 90 किलोमीटर, दोस्तों सिर्फ 90 किलोमीटर शिमला दूर रह गया है। हमने बहुत ही जल्दी कवर किया, टाइम अभी हुआ है 10:16 हुए हैं और हमने 6:30 से स्टार्ट किया था, ठीक है, 4 घंटे। वाह 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 वाह, देखो यार कैसे वो पहाड़ काट के ना सड़क बनाई हुई है, आधा पहाड़ उधर आधा पहाड़ इधर। बहुत बढ़िया, शिमला 80 किलोमीटर, सोलन 42 किलोमीटर। बड़े टाइम बाद देखे पहाड़, जिसने मेरे पिछले ब्लॉग नहीं देखे वो देखो जाके, वो भी हिमाचल में आया हूँ, हिमाचल में हिमाचल की राइड करी थी, तो वो बड़ा अच्छा रहा था एक्सपीरियंस। पर हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है, स्वागत है भाई, मुबारक मुबारक वो आगे पहाड़ा च भरा सा डग निकल गया। तो पहले नज़ारे देख लो यार, यार नज़ारे यार, एंड गल बात है एंड। ये कौन सी जगह है पता नहीं, अच्छा हिमाचल वाले होंगे वो, डिपार्टमेंट वाले वो। अरे कान बंद हो रहे हैं बार बार यार। दोस्तों ऑफ रोड आ गया, क्या सफेद मिट्टी उड़ रही है यार, जिसने ऐसे लग रहा चूना फेंक दिया ला के, चूने का पहाड़ था क्या ये। आगे लाल मिट्टी आ गई, ये क्या है ये यार, वो चेक करो पहाड़ के पीछे बादल है ना, जो ऐसे मुंडी निकाल के देख रहा है, वही वही उधर ही जाना हमने। दोस्तों हिमाचल का हमारा पहला टोल आ चुका है, वो देखो सामने, ये जगह पता नहीं कौन सी यार, रेडी वाले भाई स्पीड स्लो कर दी। अरे जगह किसी को पता हो ये वाली जगह कौन सी है तो कमेंट में जरूर बताना, मुझे तो पता नहीं है। सनवारा, सनवारा टोल प्लाजा, सही है बहुत। दोस्तों अभी इस शहर में पहुंच चुके हैं, किसी कसौली पहुंच चुके हैं भाई, कसौली का रास्ता इधर से, मतलब पता नहीं कौन सा है यार, बोर्ड लगा था मैंने भूल दिया, पर हवा एकदम ठंडी हो गई यहाँ पे आते ना, पहले थी ठंडी और ज़्यादा ठंडी हो गई। और ये शहर सुंदर है बहुत, हवा तेज़ भी हो गई, हवा चल भी रही है बहुत तेज़, आपको शायद हवा की आवाज़ आ रही हो, पर पहाड़ों पे आके ना मौसम ऐसे साफ हो जाता ना, ऐसे धूल मिट्टी कुछ नहीं, बस बादल हैं स्मोकी स्मोकी, वो दूर देखो तो, वो देखो दूर तो स्मोकी स्मोकी बादल है, बाकी बढ़िया है सब, मज़ा आ रहा है। अच्छा मुझे याद है एक बार मैं शिमला आया था तो यहीं पे ना ट्रेन हमारी होगी लेट, हम आ गए थे धर्मपुर, हम धर्मपुर पहुंच चुके हैं, तो यहाँ इसी जगह से हमने बस ली थी चंडीगढ़ के लिए, मुझे याद आ गया, मैं फ्रेंड के साथ आया था अपने,
अगर वो फोटोज़ देखनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन में है, लिंक है उसका, वहाँ की फ़ोटोस डाली हुई है मैंने। काफ़ी यार, 2-3 साल पहले की बात है, धर्मपुर पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आगे ना हमने वो छोटी ट्रेन है ना, यहाँ से गुजरती है, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम ज़्यादा स्टे होता है ट्रेन का, तो पकोड़े वगैरह चाय वगैरह पी थी इधर हमने। पुरानी यादें ताज़ा हो गई दोस्तों। सोहलन है 13 किलोमीटर, शिमला है 60 किलोमीटर। अभी 60 किलोमीटर पड़ा है यार, पहाड़ों पे इतना स्लो टाइम बीता ना, ऐसे घुमावदार रोड है ना, स्पीड भी स्लो है, तो टाइम तो लगेगा ही ना। 60 किलोमीटर मान के चलो, अभी टाइम हो गया है 11:10 3 बजे तक हम पहुंच जाएंगे शिमला। दोस्तों व्यू चेक करो यार, कितना सुंदर है, आगे रोड पे दिखाता हूँ मैं आपको, वो चेक करो। वाह क्या ही सुंदर व्यू है यार, शहर पूरा दिख रहा है, ऊपर बादल, इतना बढ़िया, दिल्ली आ गया यार। सोलन 5 किलोमीटर, बहुत ही सुंदर व्यू है यार, नज़ारा आ गया, नज़ारा ऐसे नहीं दिखेगा आपको, मैं ऐसे दिखाता हूँ, वो देखो क्या ही व्यू है, मज़ा आ गया। भाई हेलो कर रहा है, मैं भी हेलो कर दूँ, बाय। क्या सुंदर नजारे, ये देखो यार जो बादल करते हैं ना, असली काम, पहाड़ों की खूबसूरती में 100 चांद लगा देते हैं, 100 चांद, ये छोड़ो 100 चांद लग जाते हैं जब बादल अच्छा है। बहुत बढ़िया। लो जी अब सोलन सागर में शिमला 53 किलोमीटर। अरे भाई भाई ना ऐसे बाय बाय नहीं कर रहा, उसके हाथ थक गए हैं बाइक चला चला के, जैसे सुन नहीं होते सो जाते हैं हाथ, वैसे वो चीज़ हो गई है, तो वो सही कर रहा है वो। वाह वाह क्या सुंदर यार, बहुत सुंदर, क्या एकदम मूल्य है, उधर हवा इतनी तेज चल रही है ना, ओह माय गॉड, बहुत ही तेज हवा चल रही है। अगर मेरी आवाज कम आ रही हो मतलब हवा बहुत तेज चल रही है। ऊपर से हम तेज जा रहे हैं, ऊपर से हवा तेज चल रही है, तो डेडली कॉम्बिनेशन हो गया, डेडली कॉम्बिनेशन। ऊपर धूप तो लग ही नहीं रही ना, धूप का तो कोई नामो निशान नहीं मिल रहा हमें, मतलब कि हमें कुछ दिक्कत कर रहा धूप, ठंडी हवा चल रही है मस्त। वो बाइक हमारी है जबरदस्त। दोस्तों सोलन हम आ चुके हैं, ठीक है, सोलन का बोर्ड लगा हुआ था उधर, ये बस स्टैंड है शायद, तो यहाँ से हम हो रहे हैं शिमला की ओर। वाह अरे ये कैसे ना, देखो उन्होंने बनाया हुआ है कंक्रीट सही सारा ना, अरे जगह दे दो मुझे। अरे वाह वाह क्या सुंदर पुल है, और हवा भी जबरदस्त चल रही है। अरे अब तो हम नीचे उतरने लग गए, तो दूसरे पहाड़ पे जाना होगा ना, पहाड़ टू पहाड़ से क्रॉस करके जाएंगे, तो फिर पहुंचेंगे हम शिमला।
का कहीं बोर्ड दिख नहीं रहा भाई, अभी देखते हैं यार। अरे भाई गया हुआ ना बाई रोड, भाई को पता है इसलिए मैं इनके पीछे पीछे ही हूँ, तभी मैं इतनी टेंशन नहीं ले रहा, मजे से जाएंगे। हाँ जी दोस्तों, ये देखो ये है लाफू घाटी, व्यू देखो कितना प्यारा है। और भाई कैसे, बढ़िया। तो लो जी हम पहुंच गए हैं लाफू घाटी में, जो कि शिमला से है कुछ कितने घंटे आगे, डेढ़ घंटे के टाइम से आगे है, क्योंकि हम पौने एक पहुंच गए थे शिमला, तो शिमला हमने स्टे नहीं किया, तो उसकी जगह पे हम आगे जाके करेंगे नाश्ता वगैरह करेंगे, अभी लंच करेंगे, अब खाएंगे, अब सामान आ चुका है। और भाई कैसा रहा सफर, बढ़िया। लो जी लंच आ गया अपना, लंच खा के फिर मिलते हैं। हाँ जी दोस्तों कैसे हो, अभी खाना खा लिया हमने, और ये हम खड़े हैं लाफू घाटी में, तो घाटी बहुत ही सुंदर है, देखें बहुत ही सुंदर है घाटी। हमें तकरीबन सात घंटे हो गए ना, 7 घंटे हो गए राइड करते को, हमें पता ही नहीं चल रहा क्या राइड करी है, इसमें 1-2 घंटा लग रहा है जैसे राइड करी है हमने, मतलब इतना मज़ा आ रहा है राइड करने में। बड़े अच्छे रोड हैं और वेदर भी बहुत अच्छा है। चलो अब चलते हैं, हूँ कितने आना आप, हाँ आज की स्टे है नारकंडा में, तो वहाँ जाके चलते हैं। यार एक प्रॉब्लम हो गई, मेरा जो क्या बोलते हैं गोप्रो वाला कैमरा ना, वो ख़राब हो गया, जो हेलमेट पे लगता है वो ख़राब हो गया, अब कोई लगाते हैं जिगाड़ सही करने का। बाकी चलो मिलते हैं बाइक पे, ये अपनी बाइक चेक करो, पूरी पैक है, कहीं से गंदी नहीं हुई। ये अपनी बाइक में। हाँ जी दोस्तों हम पहुंच गए नारकंडा, जहाँ हमने लंच किया था उससे थोड़ा नज़दीक ही था, कितने किलोमीटर है, 25 किलोमीटर, वहाँ सिर्फ 25 किलोमीटर था, तो आराम से आए। पर आते टाइम इतनी ठंड लगी, इतनी ठंड लगी कि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कम है बाकी के मुकाबले, यहाँ पे अभी 16 डिग्री चल रहा है, जो कि बहुत ही ठंडा है। आते हमने रूम ले लिया, देखो हमने अब अपना सामान सब बिखरा दिया, ये अपने नेचर भाई, व्हाट्सअप ब्रो, बहुत ठंडा है। आपको बाहर का व्यू दिखा दूं, वाह जी वाह, ये देखो बाहर का व्यू यहाँ से, तो ये देखो बाहर का व्यू, बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत दूर ना बर्फ वाले पहाड़ नजर आ रहे हैं, वो देखो वो वहाँ वहाँ पे देखो, अब बर्फ वाले पहाड़ बहुत ही सुंदर दृश्य। मजा आ गया। हाँ जी दोस्तों अब करते हैं रेस्ट, कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, फिर देखते हैं आगे का क्या करना है, चलो मिलते हैं बाद में। हाँ जी दोस्तों अब कपड़े कर लिए चेंज, तो कुछ खाना खा पी रहे हैं, ये क्या बोलते हैं पीनट रहे हैं, नमकीन वो खा रहे हैं और मजे कर रहे हैं नारकंडा में, रूम अच्छा मिल गया। और भाई ना वीडियो बना रहा था बाहर, तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ, जैसे मैं वीडियो बनाने लगा तो कटिंग वाली मशीन चल पड़ी, तो इस बार भी इनके साथ ऐसा ही हो गया, भाई वीडियो बनाने गया था बाहर सनसेट की, क्या बात दरवाजा खोलो नाल ही, ठंडा स्वागत कौन करता है, स्वागत करते ठंडा ही बहुत है यार, फर्श ते तुम पैर नहीं रख सकते, फर्श ते पैर रख लिया मतलब खत्म, नाल ही फ्रीज। चलो पहले तुम खा लिये फिर तुम बाहर का भी दिखाना पहले मैं। दोस्तों ये देखिए शाम का व्यू, बादलों में हल्की सी लाली नहीं गुलाबीपन है, वो चला गया यार, मैं अभी खा रहा था पीनट, तो एक सेकंड मतलब मिनट में बाहर आया, तो चलो जी लाइट
थोड़ी बहुत थी जो वो खत्म हो गई। ये भी जो अच्छा है, बुरा नहीं है। और वहाँ बच्चे वॉलीबॉल खेलते हुए सही है। एक तो जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना तो मशीन चल पड़ती है यार, कहाँ के कटर वाली। और सुनाओ कैसे हो? हाँ मैं इस टाइम नारकंडा में, और नारकंडा में ठंड एक नंबर। वो देखो यार लाली माँ कितनी सुंदर लग रही है। चलो मिलते हैं हम। हाँ जी दोस्तों, आज मैंने अपनी लाइफ का मतलब सबसे ज़्यादा टाइम रोड पे डिपेंड किया है, मतलब कि बाइक चलाई है सबसे ज़्यादा, बाइक स्पेंड की फंबल हो गया, दोबारा रीटेक। हाँ जी दोस्तों, आज मैंने लाइफ का सबसे ज़्यादा मैंने रोड पे बाइक चलाई है टाइम, कितने 10 घंटे 11 घंटे बाइक चलाई है आज मैंने, तो थकान तो जीरो, मतलब महसूस हुई नहीं थकान तो महसूस हुई नहीं, क्योंकि इतना मजा आ रहा था। मैं कह ठंडी हवा आ रही है तो बंदे मेन होता है ना कि गर्मी लग रही है कि एग्जॉस्ट हो रही है बॉडी, तो वो कुछ नहीं था, ठंडी हवा आ रही थी, मजे में बाइक चला रहे थे, बाइक ने पूरा साथ दिया, पहाड़ों पे आया पूरी भगाई मैंने। तो आज हमने किए 340 किलोमीटर एक दिन में, बड़ी बात है यार, वो भी होंडा एस पी वे, होंडा एस पी होंडा एस पी, हाँ पूरा उसने साथ दिया। अभी जिसने होंडा एस पी लेनी है लो ये जाके, बेफिक्र होके लो, जहाँ मर्जी जा सकते हैं बाइक। चलो मिलते हैं फिर, ओके बाय। हाँ जी दोस्तों, रात के बज गए हैं 9 और भूख भी बहुत लगी थी, इससे पहले स्टार्ट कर दिया, बाद में याद आया कि वीडियो बनानी है। ये भाई अपने नेचर भाई खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मुझे भी याद आया यार, दिखाया ही नहीं कुछ यार अपनी आ गई थाली। आप भी खाते हैं और खा के फिर बात करते हैं, पहले खा लो। बहुत तेज भूख लगी हुई है, क्यों भाई लगी ना तेज भूख? हाल तो देख लो भाई। वो ही ना नींद आ रही है, पहले रोटी खा लें फिर बात करते हैं। हाँ जी भाई, अब हमने खा लिया। हाँ जी दोस्तों, खा लिया अब मैंने खाना। और आपको जो मेजर बात, आज को ना इतना परेशान था ना मैं आज, कि मेरा कैमरा है जो जिसमें बाइक पे लगा के, मैं बाइक पे बोल रहा हूँ, हेलमेट पे लगा के जो वीडियो बनाता हूँ मैं, वो रास्ते में हो गया था बंद, मुझे लगा खराब हो गया, ऑन ही नहीं हो रहा। पर वीडियो जो मैंने ऑन करी चार्जिंग लगा के, तो वो शो कर रहा था कि बैटरी फुल है, पर बैटरी थी खाली। तो मैंने आके चेक किया, दूसरी बैटरी लगाई, तो मेरी सांस में सांस आई कि कैमरा सही है। और भाई को पता मैं नाच रहा था कि कैसे कि कैमरा ऑन है, बढ़िया है, खाना खा लिया है, अब करेंगे वीडियो एडिटिंग। भाई तो कर रहा है वीडियो एडिटिंग, हम भी करेंगे अपनी वीडियो एडिटिंग, अपनी जो वीडियो बनाई है उसकी एडिटिंग करेंगे। और भाई हमने स्टोरियाँ बना रहा है, ये पता नहीं कौन सी स्टोरी डालेगा भाई। पढ़ लिया सी मैं बाजाली आखा बाजाली। दोस्तों ये वो यही बैटरी है जो चार्ज हो रही है, इसने डरा दिया था मुझे। और अब ते हम वीडियो एडिटिंग, तो हाँ जी आज हम आगे थे आप, हाँ जी आज अपन नारकंडा में स्टे कर रहे हैं, तो कल हम जाएंगे कहाँ जाएंगे? जहाँ रास्ते ले जाएं वहां जाएंगे, मतलब जहाँ हमें सूट बैठा वहां तक हम जाएंगे, जहाँ हमें व्यू अच्छा लगे तो वहां स्टे कर लेंगे। तो कल का तो कल ही पता चलेगा। तो वहाँ जिसने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जहाँ तक हो सके वहाँ तक शेयर करें, ठीक है? और वीडियो इसके अच्छे लगी हो तो लाइक तो जरूर करना भाई। चलो मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।